Good morning, all of you. I am Priyanka, the Wisdom School, Sirsa. A warm welcome to all of you. तो बच्चों, आज हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे. आओ, आज हम मात्राओं की ध्वनि को पहचानेंगे कि मात्राओं की ध्वनि क्या होती है. तो आज हम सबसे पहले मात्राओं की ध्वनि को पहचानेंगे कि मात्राओं की ध्वनि क्या होती है. मात्राओं ध्वनि को पहचान. तो सबसे पहले हम करेंगे, इसे देखिए, आ, आ की मात्रा, ई, कौन सी मात्रा है ये, ई की. Next, ओ, आगे, ऊ, इससे आगे देखिए, री, री की मात्रा. हमने इसकी ध्वनि को पहचानना है. री, ए की मात्रा, ए. ये है आई. आगे ओ, ओ, ओ. आगे है आउ की मात्रा, आउ. अंग की मात्रा, अंग. जैसे हम कोई भी एक्शन लेते हैं, बंदर, मंगल, तो उसमें हम अंग की मात्रा का यूज करते हैं, जो हमारे कंठ को लगती है, अंग. तो बच्चों, हमने अब इसकी आवाज को पहचानना है, ध्वनि को पहचानना है. आ, ई, ई, ओ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, आउ. इसी के साथ मैंने आज आपको ध्वनि बताई है बेटा. आपने ध्वनि को पहचानना है. तो आज हम सिर्फ दो ही मात्राएं करेंगे, आ और ई. किसकी मात्रा रहेगी? आ और ई की. तो हम इसे एक बार लॉक कर देंगे. आज सिर्फ हम आ और ई की मात्रा करेंगे. मैंने यहां लिखा क, तो आ की मात्रा का. अब मैंने इसी से ही शब्द बनाया को, का म, काम. आगे मैंने लिखा म, आ की मात्रा म. फिर मैंने इसी शब्द बनाया मान, म, आ की मात्रा म, न, मान. ज, आ की मात्रा जा, न, जान. क, आ की मात्रा का, का, म, काम. म, आ की मात्रा मा. जिस व्यंजन के पीछे आ की मात्रा आ रही है, उसकी साउंड आ में बदल जाएगी. म, मा, मा, न, मा. ज, आ, जा, न, जान, जा, न, जान. इसी तरह ही हमने आ की मात्रा को पहचानना है. ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ मैं आपको, आपने बेटे अपने ये है आ की मात्रा वाले शब्द
शब्द की प्रैक्टिस करनी है और मैं इसी के साथ आपको एक ई की मात्रा करवाऊंगी। ई की मात्रा जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क, क को मैंने ई की मात्रा लगाई तो क्या ध्वनि आएगी इसकी की। मैं आज का विराम लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।